त्रिनेत्र टीवी के साथ मुंबई में आप सभी का स्वागत है और ये चूरू के प्रवासी जो यहाँ पर आकर बसे हैं उनका एक कार्यक्रम जिसमें हम आपको लेकर आए हैं और इस कार्यक्रम में विशेष रूप से वही लोग हैं जो चूरू के हैं और यहाँ पर रहकर बड़े व्यापारों में जो है इस समय अपना कार्य कर रहे हैं और उन लोगों के द्वारा मुंबई में बहुत नाम कमाया गया है। हमें भी लगा कि चूरू के लोगों से इनका जुड़ाव किसी प्रकार बने और चूरू में इनके द्वारा अभी वर्तमान में बहुत सारे कार्य करवाए जा रहे हैं, उसमें और भी कुछ कार्य ऐसे हों जो चूरू की जनता को लाभ करे और चूरू में विकास और बढ़े। तो ऐसे ही एक स्थान पर हम यहाँ बैंक्वेट हॉल में आए हैं जो झिरमिरिया परिवार के द्वारा संभाला जाता है और यहाँ चूरू के झिरमिरिया परिवार जिनके द्वारा मुंबई में ये कार्य चलाया जा रहा है और उन्हीं के संयोजन में आज ये कार्य चूरू नागरिक संघ का किया जा रहा है। तो यहाँ से स्वागत कक्ष और यहाँ से जब हम एंटर करते हैं तो पूरे कार्यक्रम का हम आपको परिचय देंगे, पूरा कार्यक्रम यहाँ से हम आपको दिखाएंगे और आप देखेंगे कि चूरू नागरिक संघ के द्वारा हो रहा ये कार्यक्रम आपको आपनों चूरू का जो है एक याद दिलाएगा, आपनों चूरू का एक जुड़ाव बनाएगा और ये आपनों चूरू और ये पूरा स्थान, ये बैंक्वेट हॉल और यहाँ से अब कार्यक्रम की शुरुआत कुछ ही समय में होने वाली है। स्टेज प्रोग्राम होगा और पूरे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। चूरू दर्शन की एक डॉक्यूमेंट्री भी हमारे द्वारा बनाई गई है, उसमें भी आप चूरू का पूरा परिचय आपको जो है दिया जाएगा। तो कुछ ही समय में ये कार्यक्रम आपके सामने किया जा रहा है। आज हम आए हैं मुंबई अपने लोगों में जो लोग चूरू से बहुत पहले व्यापार के कारण आ चुके थे और आज अपना एक ऐसा स्थान, एक ऐसा मुकाम बनाया जो मुंबई में उनका एक स्थान बना चुका है और उसी जगह हम आज आए, इसी को लेकर एक चूरू नागरिक संघ मुंबई एक संगठन बना हुआ है और उसी के तीसरे वार्षिकोत्सव में हम आपको मुंबई लेकर आए हैं। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत इस संघ के अध्यक्ष महोदय हमारे साथ हैं, JP खेमका साहब। आप चूरू से जुड़े हुए हैं और बहुत CA जो एक नाम होता है, जो चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं, चूरू का दिमाग एक ऐसा मान सकते हैं, हम शेखावाटी जोड़े हैं उसमें, तो शेखावाटी का दिमाग एक ऐसा है जो किसी भी व्यापार को किसी भी हद तक ले जाने की पावर रखता है और कहा जाता है जठे ने पूछे गाड़ी, बठे पूछे मारवाड़ी। तो ये ऐसी जो बात है ये हमारे बीच में है और हम खेमका साहब से बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत चूरू की जनता के बीच में आपका। मैं सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहता हूँ जो आपने अपना समय निकाल कर आज इस कार्यक्रम में पधारे। मैं चूरू नागरिक संघ के लिए इतना बताना चाहता हूं कि हम सब लोगों की जन्मभूमि चूरू है। चूरू ने हमें इतना ऋण दिया है कि हम उसे चुकाना चाहते हैं। हम कोई भी कार्यक्रम चूरू में जो करते हैं उसका ये मतलब नहीं कि हम अपना अपने लिए कुछ कर रहे हैं, हम अपना तो उन लोगों ने जो हमें उस भूमि ने जो हमें ऋण दिया है उसको चुका रहे हैं। हमारे यहाँ इतने लोग हैं और हमारा सबसे पहले यही फोकस रहता है कि चूरू नागरिक संघ की जितनी भी एक्टिविटी हैं हम चूरू में करना चाहते हैं। बम्बई इतना विशाल नगरी है, इसमें हजारों संस्थाएं हैं और उनमें कार्य करने वाले भी बहुत लोग हैं। तो हमारा हमेशा यही उद्देश्य रहता है कि जितने भी कार्यक्रम हम चूरू नागरिक संघ से करें उनका सिर्फ हमारी जन्मभूमि से संबंध हो। हमने आज अपना कर्म भूमि ये चुना है वो एक बात अलग है, फिर भी हम चाहे नेत्र शिविर हो, चाहे चूरू का सौंदर्यकरण हो, चाहे गौशाला का कार्यक्रम हो, जितने भी कार्यक्रम हम वहाँ करना चाहते हैं वो हम चूरू में ही करना चाहते हैं। पिछले दिनों में हम राजेंद्र जी से मिले, वहाँ के कलेक्टर से उन्होंने हमारी मुलाकात करवाई, उन्होंने हमें 2-3 प्रोजेक्ट दिए हैं और मैं वायदे से कहना चाहता हूँ कि उन प्रोजेक्ट्स को हम राजकीय सहायता से जरूर चालू करेंगे। जैसे वहाँ पुस्तकालय है, एक कंप्यूटर सेंटर है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ हमारी मर्दा फैमिली में एक ये आज तक हमें आश्वासन दिया है और मुझे बड़ा दुख है कि मैं उस आश्वासन को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। उन्होंने बोला है कि चूरू में आप एक कंप्यूटर सेंटर बनाओ, उसमें कितने भी कंप्यूटर मिले हाँ वो मर्दा फैमिली की तरफ से आएंगे, उसकी जगह भी वो देने के लिए तैयार है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो कंप्यूटर सेंटर हम जल्दी चालू करेंगे। हमारे यहाँ पर भी बम्बई में हो चाहे कलकत्ता में हो बहुत से लोग हमारे साथ में हैं। मैं उनको अपने हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ और बड़ी खुशी है, हमें इतनी खुशी है कि उन लोगों का जो भी हमारे दाता हैं उनको चूरू नागरिक संघ की पूरी कार्यकारिणी में इतना विश्वास है, उन्हें मालूम है कि जो भी कार्यक्रम हम चूरू में करेंगे वो पक्का ही अच्छे काम के लिए करेंगे, उनका दिया हुआ पैसा सदुपयोग होगा, इस कारण वो हम में से जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ
हम आप भी कोई हमें कार्यक्रम बताएं, ऐसी कोई योजना बताएं। चूरू नागरिक संघ हमेशा चूरू वासियों के लिए है, उनका साथ उनके साथ में है। हमें बड़ी खुशी होती है चूरू में कोई भी कार्यक्रम करने के लिए, हम इसके लिए कृतज्ञ हैं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अध्यक्ष महोदय का जोश देख लिया होगा और काम के प्रति इनकी रुचि देख ली होगी, तो आप मान सकते हैं कि चूरू नागरिक संघ के जो भी सदस्य हैं, एक एक व्यक्ति एक एक पिलर है और चूरू के अंदर एक एक बिल्डिंग को उठाने की ताकत रखता है। तो ऐसे कार्य जो चूरू में होने चाहिए, विकास कार्य होने चाहिए, हम लोग एक हमारे दिमाग के जो लेवल को जो नीचे अधोगति की ओर लेकर जा रहे हैं, उस लेवल को हटाते हुए अगर सकारात्मक सोच के साथ कार्य करना प्रारंभ करें, इसी सोच की आज शुरुआत हम लोगों ने भी की है कि आपका और प्रवासी जो हमारे बाहर निकले हैं उनके बीच में सेतु का काम करें और ये सेतु आपके आप तक एक विकास की योजना लेकर आए, ऐसा एक विचार हमारा है, जिसमें हमने हमारी चूरू दर्शन की जो डॉक्यूमेंट्री है उसमें कलेक्टर साहब की भी एक बाइट ली है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। समझ में आएगा कि चूरू की आज की स्थिति है उसमें आपकी सर बहुत बड़ी आवश्यकता है और आप जिस दिन जुड़ जाएंगे उस दिन चूरू बहुत आगे बढ़ेगा। आपकी अभी वर्तमान गतिविधियाँ बहुत सराहनीय चल रही हैं, आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और कुछ ऐसी बातें भी होंगी जो आज के डिस्कशन में निकल कर आएंगी जो हमारे विकास के लिए होंगी, तो आप क्या संदेश क्या देना चाहेंगे चूरूवासियों? मैं तो चूरूवासियों के लिए यही चाहूँगा कि जितना भी हमें काम बताएं वो हमारे लिए कम है। हम जो भी कार्य करना चाहते हैं चूरू के लिए हैं और चूरू ने हमें इतना दिया है कि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में ही वो ऋण पूरा हो जाए। और मैं ये भी चाहता हूँ कि मेरे साथी महेश मर्दा जो इस चूरू नागरिक संघ की रीढ़ की हड्डी हैं, वो भी एक चूरू के निवासियों के लिए एक संदेश दें। जरूर, देखिए आपने मर्दा मार्ग सुना होगा चूरू में और बहुत फेमस है और कार्य भी जो है इनके द्वारा वहाँ पर आई कैंप लगते हैं और बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो हमारे चूरू के लोगों को बहुत शानदार सफलताएं प्रदान करने में सहायता प्रदान करते हैं। तो हमारे साथ जो मर्दा साहब हैं, महेश जी मर्दा, इनसे हम बात करते हैं। जी सर, चूरू के लिए देखिए आप यहाँ पर बहुत कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन एक भाव, एक दिमाग का एक कोना, एक दिल का कोना होता है जो अपने परिवार वालों के लिए, अपने देश वालों के लिए धड़कता है। उस धड़कन में से आप किस प्रकार अपना विषय निकालते हैं, किस प्रकार आप विचार करते हैं कि चूरू में क्या होना चाहिए और यहाँ पर कार्य क्या रहता है? थैंक यू मनोज जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। और आप बॉम्बे में आए यह जानकर हमें अति प्रसन्नता हुई। एक बार चूरू नागरिक संघ की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूँ। हमारे संघ की कुछ गतिविधियाँ जो संघ से संचालित होती है वो हम हर वर्ष चूरू में करते हैं। जैसे चूरू में हम आई कैंप लगाते हैं, उसमें करीब करीब 150 से 200 कैटरेक्ट के हम ऑपरेशन करते हैं, वो फ्री ऑफ चार्ज करते हैं। गरीब जनता वहाँ पे आती है और लॉयंस क्लब के साथ मिलकर हम उनकी देखभाल करते हैं और सबका आई का ऑपरेशन करते हैं। वहाँ उनको 3 दिन रखते हैं और अच्छे से उनके ट्रीटमेंट करके उनकी रवानगी करते हैं। उसके बाद में हमने अब से कॉलेज और स्कूल में बुक बैंक बनाई हैं, लोहिया कॉलेज में बनाया और गर्ल्स कॉलेज में बनाया। वहाँ पे चूरू नागरिक की संघ की तरफ से हम करीब करीब 1 से 1.5 लाख रुपए की बुक्स हर साल देते हैं, ताकि वहाँ के ज़रूरतमंद विद्यार्थी उन बुक्स को लेते हैं और एजुकेशन प्राप्त करते हैं। उसके बाद में वो उसको वापस दे देते हैं, फिर नए साल के लेते हैं। ऐसा रोटेशन हमने वहाँ चालू कर रखा है। तो वो बुक बैंक अगर कभी आपका काम पड़े तो आप प्लीज़ देखिएगा, आज आप देखेंगे तो एक विशाल भंडार मिलेगा आपको चूरू नागरिक संघ का। उसके बाद में हमने चूरू के कुछ स्कूलों में अलग अलग जैसे वाटर कूलर्स लगवाए हैं, उच्च स्कूलों में हमने कंप्यूटर्स दिए हैं अभी कि भी ताकि वहाँ के विद्यार्थी अपडेटेड रहे। और हमारा एक फोकस रहता है कि भी एजुकेशन अगर है तो ही सब कुछ है, तो हम एजुकेशन और हेल्थ दो सब्जेक्ट रखते हैं चूरू नागरिक संघ के अंतर्गत, कि उनमें जितने भी लोगों को हम कुछ कर सकें उनके लिए। जो बच्चे काफ़ी उच्चतम पद पर हम विराजमान हैं वहाँ से गतिविधियाँ चालू करते, तो डेफिनेटली हम लोगों का आज भी दिल और दिमाग चूरू में बसता है। चूरू के लोगों के लिए, उस सोसाइटी के लिए हम मैक्सिमम कुछ कर सकें, यह हमेशा हम सोचते रहते हैं और जितना भी हो सकता है हम चूरू की सोसाइटी को रिटर्न करना चाहते हैं। थैंक्स मनोज, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जी, महेश जी ने जो गतिविधियों के बारे में बताया उसमें खाली एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि चूरू नागरिक संघ, चाहे जैसे इन्होंने बताया मेडिकल या एजुकेशन, उसके लिए हमने चूरू में कई बार कलेक्टर साहब को भी बोला है कि जो भी नीडी बच्चा हो वो यहाँ पर हायर एजुकेशन के लिए आए तो हम उसकी पूरा खर्च उठाने के लिए तैयार हैं, तथा उसे रहने की व्यवस्था भी करने के लिए। ऐसे ऐसे हमारे पास में दाता हैं जो कहते हैं चूरू का कोई भी निवासी हो,
जो धन के अभाव में उसकी ऊंची शिक्षा का कोई भी कारण से नुकसान नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। बहुत शानदार बात है और ये एजुकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी बातें ऐसी निकल कर आएंगी, जब हम किसी दही को मथते हैं तो मक्खन निकलता है, और यही कार्य आज के इस कार्यक्रम में होगा, तो मक्खन निकल कर आएगा और बहुत सारी बातें होंगी। जब हम मुंबई में आए हैं तो यहाँ पर बहुत से लोगों से बातचीत होती है, और उस बातचीत में जब निकल कर आता है कि हमारे परिवार के, हमारे चूरू के, हमारे यहाँ के लोग और यहाँ मुंबई में आकर चूरू का नाम कहीं ना कहीं रोशन करते हैं, तो बड़ा गर्व होता है। इसी क्रम में विनोद जी भाई साहब हमारे साथ हैं। विनोद जी झिरमिरिया, चूरू के झिरमिरिया परिवार से जुड़े हुए, और मुंबई का एक बहुत बड़ा पोश एरिया जिसमें बहिंदर में जो ग्रैंड बैंक्वेट हॉल है, उस बैंक्वेट हॉल को आपने यहाँ पर संचालित कर रहे हैं और उसी के अंतर्गत बहुत सारे कार्यक्रम आप करवाते हैं। विनोद जी भाई साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। थैंक यू जी। आज जो ये चूरू नागरिक संघ का कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप क्या संदेश हमारे जो चूरूवासी हैं, हमारे लोग हैं, उनको देना चाहेंगे? चूरू से इतनी दूर बैठ के हम लोग आपसे में चूरू वाले मिलते हैं तो चूरू की यादें ताज़ा हो जाती है, और ये कोशिश ये रहती है मेरी कि लोग अपने गांव से जुड़े। मैं यहाँ लोगों को बोलता रहता हूँ, मैं चूरू जाता रहता हूँ हर महीने, लगभग महीने दो महीने में जाता रहता हूँ, मेरे छोटे भाई जाते रहते हैं, तो चूरू से हमारा अटैचमेंट बहुत है जी। तो चूरू से आपका अटैचमेंट होता है, और चूरू में अनिल जी जो झिरमिरिया हैं, अनिल जी भाई साहब हैं, वो उनके द्वारा वहाँ पर एक जुड़ाव बना हुआ है, तो ये एक सेतु, बहुत कम परिवार हैं जिनका वहाँ भी जुड़ाव है और यहाँ भी जुड़ाव है, तो इसी कार्य को देखते हुए हम यहाँ पर आए हैं। तो विनोद जी भाई साहब भी इस पूरे कार्यक्रम में सेतु का कार्य कर रहे हैं, अब संयोजन कर रहे हैं। सेतु तो हमारा मुंबई से चूरू का है और संयोजन है चूरू नागरिक संघ के इस कार्यक्रम का। तो भाई साहब, क्या होता है इस कार्यक्रम में, किस प्रकार की चर्चाएँ होती हैं, चूरू में विकास कार्यों को लेकर क्या आगे के दिशा निर्देश आपकी पूरी टीम के द्वारा दिए जाते हैं, संघ के द्वारा दिए जाते हैं, क्या विशेष कार्य रहता है? चूरू नागरिक संघ समय समय बहुत अच्छे अच्छे काम करती है, जैसे चूरू में आई कैंप लगाने हैं, कोले लोया कॉलेज में बुक्स देना है, और भी स्कूलों में, सर्वत को स्कूल है गढ़ के पीछे, उसमें बुक्स वगैरह भी देते हैं, और टाइम टाइम पे सामाजिक काम अच्छे करते रहती है चूरू नागरिक संघ। तो भाई साहब, विशेष रूप से ये तो एक कार्यक्रम के निमित्त बात होगी जिसका संयोजन आपके द्वारा आज किया जा रहा है, यहाँ आपकी अगर व्यक्तिगत बात करें तो मुंबई में किस प्रकार एक एस्टेब्लिशमेंट होता है, एक व्यक्ति नया आता है, फिर अपनी मेहनत से कुछ करने की कोशिश करता है और फिर स्टेबल होता है, इस पूरे सफ़र को अगर आप अपने शब्दों में बयान करना चाहें तो क्या कहेंगे? देखो, आदमी मेहनत करे, लगन से मेहनत करे, पॉजिटिव सोच रखे, तो ये बम्बई एक ऐसा शहर है इसमें ऊपर आते हुए कोई टाइम नहीं लगता है। मतलब मैं तो आया था तो यहाँ पहले 600 रुपये की नौकरी किया था मैंने। मैं एक साधारण परिवार से था, मेरे पिताजी अध्यापक थे श्री माहिर प्रसाद जी, फिर हम तीन भाई यहाँ आ गए, हमने प्लानिंग की, तीन भाई यहाँ आ गए, एक भाई को वहाँ छोड़ा ताकि हमारा चूरू से मोह कट नहीं हो, भंग नहीं हो, इसलिए हमने एक आदमी चूरू में रखा भाई को। अब हम जाते हैं तो हमको ऐसा फील नहीं होता है कि हम दूसरी जगह जा रहे हैं, आज लोग जाते हैं इस टेंशन में नहीं जाते हैं चूरू कि घर जाके साफ करना पड़ेगा, ये करने पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, हमारे यहाँ घर खुला मिलता है, जाते ही खाने की व्यवस्था हो जाती है, साफ सफाई किया हुआ घर मिल जाता है, इसलिए हमने पहले से ऐसे प्लानिंग की कि हम तीन भाई यहाँ हैं और एक चूरू में है। ये एक नवाचार, एक नई चीज़ समझ में आई है, क्योंकि हम परिवार के लोग सारे के सारे आ जाते हैं, हमारा घर बंद हो जाता है, फिर जाने की हमारी इच्छा नहीं हो पाती। भाई साहब ने एक बड़ा अच्छा मूल मंत्र दिया है कि अगर ऐसा हो तो भाई मिलकर हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। एक बड़ा परिवार अगर मुंबई में है तो एक परिवार चूरू में रहकर ये जुड़ाव जो है बनाया जा सकता है, तो ये भाई साहब एक मूल मंत्र आपसे लिया जा सकता है, और ये बड़ा बड़ा शानदार मंत्र है जिससे चूरू और मुंबई के बीच का जुड़ाव कम, जो एक दूरी है वो कम हो जाएगी और जुड़ाव बढ़ेगा। तो भाई साहब, ये तो हमारा हुआ एक पारिवारिक, आपने एक बड़ा अच्छा संदेश दिया। व्यापार की दृष्टि से अगर कोई व्यक्ति नया आज अगर चूरू से यहाँ आना चाहे, क्या रास्ते बन सकते हैं एक युवा के लिए? एक युवा आता है, बड़ी आँखें बंद किए हुए आता है, यहाँ कुछ अंधकार होता है, कुछ समझ में नहीं आता, क्या ऐसा हो सकता है जिसे एक युवा बेरोज़गार अगर आता है तो क्या चूरू नागरिक संघ या वो व्यक्तिगत रूप से क्या करें? देखो, अभी
एक समय था हमारे टाइम में कि जब दसवीं का रिजल्ट आता था, लोग पढ़ाई में होशियार नहीं होने या कोई भी कारणवश नहीं पढ़ पाते थे या घर की स्थिति खराब होती थी तो वो लोग यहाँ आ जाते थे। आजकल लड़के पढ़े लिख पढ़ाई करके फिर बम्बई आते हैं ताकि MBA करने के लिए, ऊंची पढ़ाई करने के लिए, और फिर यहाँ पे आके, बम्बई एक ऐसा शहर है ना कि यहाँ बहुत चांस है, चांस बहुत है, काम करने वाले को बहुत चांस है, और बाकी तो जी है, किस्मत भी एक मायना रखती है, लेकिन काम करने वाले को, कर्म करने वाले को कहीं कमी नहीं है। मुंबई वाकई में माया नगरी है, माया की नगरी है, और यहाँ से माया कमाई जा सकती है। तो इसी माया नगरी में हम आए हैं, और भाई साहब ने यहाँ पर इस कार्यक्रम के निमित्त हमें याद किया, बुलाया, और भाई साहब आपने ये मौका दिया, इसके लिए हम त्रिनेत्र TV की परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं त्रिनेत्र TV का बहुत बड़ा आभारी हूँ कि इन्होंने आके हमारा प्रोग्राम पूरा कवर किया, और मनोज जी के बारे में मैं आज पहली बार मिल रहा हूँ, इनकी तारीफ बहुत सुनी थी, मैं चूरू में छोटी थी, अनिल छोटा भाई इनकी तारीफ करता रहता है, और बहुत अच्छा लगा ये आए तो यहाँ पे। तो ये एक पारिवारिक जुड़ाव, और ऐसे जुड़ाव अब आपके हम करवाते रहेंगे, और इस प्रकार हमारे जो लोग बाहर हैं उनको आपसे मिलवाते रहेंगे, आपको बड़ा आनंद आएगा। ट्रेडिशनल तरीके से, पारंपरिक तरीके से यहाँ पर स्वागत कक्ष बनाया गया है, स्वागत भी किया जा रहा है, और तिलक लगाकर, तिलकार्चन से स्वागत जो है वो हो रहा है, और इस कार्यक्रम की शुरुआत इस तिलक से ही की जा रही है। और ये भी एक हमारी साइंटिफिक पीनियल ग्लैंड हमारी होती है, आज्ञा चक्र होता है, उसको कुमकुम से जो है स्वागत करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। सभी देखिए आ रहे हैं और इनका स्वागत अभिनंदन हो रहा है। ये चूरू के लोग जो हैं इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, चूरू नागरिक संघ के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, हम चूरू नागरिक संघ के कार्यक्रम में यहाँ मुंबई आए हुए हैं, और हमारे साथ प्रदीप जी अग्रवाल हैं, हमारे चूरू से जुड़े हुए हैं, उपाध्यक्ष हैं आप संघ के, और इनसे बात करते हैं। सर CA हैं अभी, और एक ही परिवार से 5 CA हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है, और मुंबई में CA के सेक्टर में, ये जो चार्टर्ड अकाउंट के सेक्टर में इनकी अगली जनरेशन जो है वो भी बहुत अच्छा कार्य कर रही है। तो सर इस कार्यक्रम के बारे में सब आप बताइए क्या है, और फिर उसके बाद में आगे की बात करें। धन्यवाद मनोज जी, ये कार्यक्रम चूरू से बम्बई आए हुए प्रवासी चूरू लोगों के, चूरू के परिवार के लोगों के लिए हम लोग हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं। इस साल पहली दफ़ा ये कार्यक्रम हमने भाईंदर में ऑर्गेनाइज किया है, और यहाँ पर बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, और कार्यक्रम बहुत सुंदर हो रहा है, आप आए ना उसकी वजह से इसका कवरेज भी अच्छा हो जाएगा, और चूरू के लोगों को मालूम लगेगा कि भी इतना अच्छा प्रोग्राम बम्बई की धरती पर चूरू के लोग मिलकर कर रहे हैं। जहाँ तक मेरे परिवार का सवाल है, मैं चूरू से 1983 में BCOM करके आया था, BCOM में लोया कॉलेज में मेरा पहला स्थान आया था, मैंने लोया कॉलेज में हाईएस्ट मार्क्स हासिल किए थे, और राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर पूरे राजस्थान में मेरा 13वां रैंक आया था। तत्पश्चात मैं यहाँ आके मैंने पहली दफ़ा में मेरा CA फाइनल का और CA APCC का एग्ज़ाम पास करके चार्टर्ड अकाउंटेंट बना मैं, LLB बना मैं, और साथ में मैंने CFA का भी आधा कोर्स किया, और मैं करीब 35 साल से बम्बई में रह रहा हूँ, मैं अंधेरी में मेरा रहना है, और मेरी लड़की अभी वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी कंपनी है उससे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुकी है, कंपनी सेक्रेटरी भी बन चुकी है, और जो चार्टर्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो अमेरिका के इंस्टीट्यूट है उसका भी CA फाइनल का एग्जाम दे रही है, CFA फाइनल का एग्जाम दे रही है, और उसके बाद में वो MBA करके न्यूयॉर्क जाने का उसका प्लानिंग है। बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो उसके पास CA की डिग्री होगी, CS की डिग्री होगी, CFA USA वाली डिग्री होगी, और उसको GMAT का एग्जाम देके MBA करना है, और वो अभी एट प्रेजेंट डेलोइट में काम कर रही है, और उसका RTGLCB जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है अर्न्स्ट एंड यंग वहाँ से हुआ था। जहाँ तक मेरे पुत्र का सवाल है, वो अभी 21 साल की अवस्था के अंदर CA इंस्टीट्यूट के इतिहास में पहली दफ़ा ऐसा होगा कि मुश्किल से 4 या 5 लड़के या लड़कियों ने CA और CFA की पढ़ाई एक साथ पूरी की है RTGLCB के अंदर, तो उसने अभी CA फाइनल और CFA फाइनल का एक साथ पूरा करने का करीब करीब तैयारी कर लिया है। उसके बाद में मेरे लड़के का भी प्रोग्राम है, वो न्यूयॉर्क जाके MBA करने का है GMAT का एग्ज़ाम देके, तो मेरा दोनों बेटा बेटी ने जो मेरे कदमों पर चल के जो मेरा और जो चूरू का जो आगे जो कार्यक्रम या हमारा जो प्लानिंग है उसको आगे बढ़ाने में जो किया है उससे हमको बहुत अब खुशी है। मेरे पिताजी चूरू के अंदर हड़ियाल गाँव है वहाँ पर किराने का दुकान चलाते थे, उन्होंने बहुत हिम्मत करके 1980 में सबसे पहले मेरे बड़े भाइयों को भेजा, फिर मैं आया। हम लोग 7 भाई हैं, उनमें से 5 भाइयों ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स किया है, ये गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भी है ना 1987 के अंदर कंफर्म हो गया था कि ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर 5 सगे भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट कहीं पर भी नहीं है। तत्पश्चात एक परिवार दूसरा और है जिन्होंने 7 भाइयों ने CA कर लिया, लेकिन हमारा सेकेंड लार्जेस्ट फैमिली ऑफ द वर्ल्ड, आई एम प्राउड टू से दैट कि फ्रॉम चूरू वी 5 रियल ब्रदर्स आर सेकेंड लार्जेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड, वेरिंग लाइक 5 रियल ब्रदर्स आर चार्टर्ड अकाउंटेंट।
कजिन ब्रदर वगैरह मिला के हो सकते हैं, लेकिन सगे पांच भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट सिर्फ एक परिवार को छोड़ के ये दूसरा परिवार है जिसके अंदर इतनी बड़ी उपलब्धि। चूरू की मिट्टी से हम लोग एकदम छोटे गाँव से निकल के आए हुए हैं और पिताजी की किराने की दुकान, आज भी मेरे माँ और पिताजी यहाँ पर भी आते जाते रहते हैं और चूरू में है अभी, तो उनकी वजह से ये सब हो पाया। तो मेरी उन्नति का और हमारी जो भी सक्सेस का श्रेय है वो मैं मेरे पेरेंट्स को देता हूँ और हमारे सब भाई लोग अभी अंधेरी रहते हैं, हम लोग सात भाई हैं, सातों के सातों मुंबई में रहते हैं। बहुत बढ़िया। एक वक्त ऐसा था मनोज जी कि जिसमें हमारे पास 40 पैसे बस के टिकट कटाने के भी नहीं होते थे, हम लोग 6-6 किलोमीटर बम्बई में पैदल चल के और रात भर सीढ़ियों में बैठ बैठ के पढ़ाई करते थे। मेरे को अंग्रेजी नहीं आती थी, मैंने भले ही लोया कॉलेज से पहला स्थान हासिल किया था, न मेरे को कंप्यूटर आता था, उसके बावजूद भी मैंने खुद पढ़ाई करके और खुद अंग्रेजी अपने आप सीखी, क्योंकि हमारे पास उसकी ट्यूशन करने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। आज भगवान की दया से हमारे पास सबका अपना अपना मकान है, अपना अपना ऑफिस है, गाड़ी है और एक एक मकान नहीं है, सब भाइयों के पास चार चार मकान है। थैंक यू सर, बहुत, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देखेंगे कि किस प्रकार इन्होंने 40 पैसे नहीं थे और उससे लेकर आज घर में इतने CA CS हैं और नेक्स्ट जनरेशन जो है वो आगे बढ़ रही है, प्रेरणा लेने की बात है। हमारा ये कार्यक्रम इसी विषय के लिए है कि आप चूरू में बैठे हुए ये ना सोचें कि हम छोटी सी सिटी में हैं और हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। ये आपके सामने ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे और ये उदाहरण अगर आप एक बार ले लेंगे तो चूरू शायद बहुत बड़े क्षेत्र में आगे जाएगा। मेरे साथी नरेश जी के साथ मैं ऐसे ही कार्यक्रम आपके लिए लेकर आता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मुरली जी बालान हमारे साथ हैं, यहाँ पर सभी लोगों का सहयोग, उसी सहयोग से ये कार्यक्रम हो रहा है। जैसे झिरमिरिया परिवार की ओर से संयोजन किया जा रहा है, उसी प्रकार मुरली जी बालान जो भाई साहब हैं इनके द्वारा भी यहाँ पर इस कार्यक्रम के संयोजन में, क्या कहेंगे भाई साहब यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, इससे पहले के कार्यक्रम और आज के कार्यक्रम में क्या अंतर आप महसूस करते हैं? बॉम्बे में जो प्रोग्राम है वर्षों से होता आया है, लेकिन ये जो प्रोग्राम है थोड़ा हटके है, क्योंकि यहाँ की जो संख्या है, संख्या के आधार पर ये बड़ा प्रोग्राम है बॉम्बे के हिसाब से, क्योंकि बॉम्बे में अगर 400-500 की संख्या होती है तो बड़ी गिनी जाती है। और ये जो एरिया है वो काफ़ी डेवलप्ड है और जो बॉम्बे से करीब ये 40 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर पहली बार हुआ है। यहाँ पर जो काफ़ी जो वर्किंग क्लास लोग भी ज़्यादा है और चूरू के जो प्रवासी लोग भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में रहते हैं, तो उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये प्रोग्राम हमने ये साल में भाईंदर में रखा हुआ है, जबकि हर बार ये प्रोग्राम अंधेरी में होता है जो बॉम्बे का हार्ट गिना जाता है। तो बहुत बढ़िया है और बड़ा सुंदर आयोजन हो रहा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चूरू नागरिक संघ के कार्यक्रम की आगामी गति देते हुए राजकुमार जी झिरमिरिया भाई साहब हमारे साथ हैं। राजकुमार जी चूरू से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर भी व्यापार करते हैं। जैसे विनोद जी भाई साहब ने बताया कि आप तीन भाई यहाँ पर हैं, उनमें से राजकुमार जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। भाई साहब आपका चूरू से मुंबई आगमन कब हुआ था? मैं 1982 में बॉम्बे आया था। अच्छा, क्या एजुकेशन लेकर आए और फिर क्या एम था आपका मुंबई आने का? मैं जब बॉम्बे आया तो सेकेंड ईयर तक पढ़ा हुआ था और साइंस पढ़ता था, लेकिन बॉम्बे आके प्रैक्टिकल के कारण से मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, तो यहाँ आकर के प्राइवेट में बीकॉम किया और राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया जी। अच्छा, आपने एक वर्किंग की क्या होता है दिशा होती है, जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं बड़ी टेंशन में आ जाते हैं क्या करेंगे, तो वो शुरुआत आपकी हुई किस कार्य से हुई, कैसे आपने शुरुआत की? मैंने जीवन में कभी नौकरी तो नहीं की, सबसे पहले कमीशन का काम किया कपड़ा बाज़ार में और फिर कपड़ा बाज़ार में कमीशन का काम करते करते कपड़े का व्यापार किया, फिर करीब 2000 में कपड़े के व्यापार में नुकसान हो गया तो मैंने प्रॉपर्टी की लाइन में कमीशन का काम शुरू किया और फिर अभी बिल्डिंग लाइन में हूँ और अच्छा भवन निर्माता हूँ। तो यहाँ मुंबई में राजस्थान में कहाँ कहाँ आपका रियल इस्टेट का काम है? मुंबई में मीरा रोड में भी है और गुजरात में एक दो जगह है, बाकी ट्रेडिंग ज़्यादा करते हैं राजस्थान में, अलवर में, सीकर में, सरदारसर में, जयपुर में, सब जगह। तो अब जैसे एक चूरू और मुंबई का एक जुड़ाव की बात करें, क्योंकि चूरू नागरिक संघ का कार्यक्रम है, प्रवासियों से जुड़ाव की हम बात करते हैं, कैसे आपका जो है अपने मातृभूमि से जुड़ाव रहता है और क्या आपकी आगे की कुछ प्लानिंग्स हैं या मंशा है, क्या है? मातृभूमि से मेरा पूरा जुड़ाव है, मैं अभी करीब 4 साल से हर महीने में 1 सप्ताह चूरू रहता हूं और 3 सप्ताह बॉम्बे रहता हूं। जी, तो इसी जुड़ाव में आप जो है कार्य में लगे हैं, आगामी कुछ आपकी अगर कार्य योजना हो नागरिक संघ के द्वारा या कोई व्यक्तिगत आप चाहें तो क्या ऐसी कार्य योजना आपकी रहेगी? मेरी कार्य योजना, मेरा ऐसा सोचना है कि जो नई पीढ़ी है उसका चूरू से जुड़ाव बना रहे, इसलिए उनको कम से कम जो छोटे बच्चे हैं उनको चूरू का ट्रिप कराना चाहिए, बॉम्बे से उनको ले जाना चाहिए, चूरू दिखाना चाहिए ताकि उनका जुड़ाव बना रहे।
उनको उन चूरों के बारे में बताना चाहिए, उनकी संस्कृति के बारे में बताना चाहिए, लेकिन अभी बच्चे जा नहीं पाते हैं। लेकिन कोई न कोई बहाने से, सालासर जी जाने के बहाने से या कैसा भी, एक बार साल में कम से कम बच्चों को 2-3 दिन तो चूरू जाना ही चाहिए सब बच्चों को। जी, यही बात जो भाई साहब ने कही है वो मैं हर जो प्रवासी आते हैं चूरू उनसे बात करता हूँ, और कुछ कहते हैं कि हमारे बच्चे आते हैं, कुछ कहते हैं नहीं आते। इसी को लेकर त्रिनेत्र टीवी, हमारी ये जो टीम है, ये इसी विषय पर काम कर रही है कि हमारी अपनी धरोहर में इतनी चीज़ें हमारे आसपास हैं जो कि यूनिक हैं और पूरे वर्ल्ड में नहीं है। ऐसी चीज़ें हमारे यहाँ पर, फ्रेस्को पेंटिंग की अगर बात करें, हमारे जो मंदिर देवरे हैं उनकी बात करें, हमारे जो संस्कृति में हमारी जो पुरानी हवेलियां हैं उनकी बात करें, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिनको पूरे वर्ल्ड में भी आपको नहीं मिल पाएगी। उन चीज़ों को हम दिखाते हैं और बहुत सारे लोग प्रेरित हुए हैं। भाई साहब की इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए आपसे कहूँगा कि आप ज़रूर अपने संतानों को, अपने बच्चों को, और आप लोग चूरू ज़रूर आइए और चूरू के विकास में अपना योगदान ज़रूर दीजिए। भाई साहब क्या संदेश और देना चाहेंगे? चूरू के लिए तो मैं यही बोलूँगा कि जैसे मैं एक प्रोग्राम करता हूँ चूरू में, चूरू में मैंने खुद मकान बनाया है, और जिस दिन उसका मकान का उद्घाटन किया था तो सुंदरकांड करता हूँ मैं वहाँ पे, तो मैं अपने सारे बच्चों को, चाहे छुट्टी हो चाहे परीक्षा हो, एक दिन ज़रूर मैं चूरू लेके जाता हूँ। एक हफ्ते के लिए साल में एक बार चूरू जाना ही चाहिए बच्चों को लेकर। जी, तो बच्चों को लेकर चूरू जाना चाहिए, ये एक संदेश आपको मिला है, और आप इसी प्रकार चूरू से जुड़े रहिए। यही हमारी पहला ऐसा प्रयास है जिसमें चूरू से कोई टीवी की टीम आपके पास आई है और आपका इंटरव्यू लेकर चूरू में दिखा रही है। ये पहला ऐसा आयोजन है, मुंबई से शुरू हुआ है, और हमारी अपेक्षा है कि पूरे भारत में जहाँ जहाँ हमारे लोग हैं वहाँ वहाँ तक हम जाएँ, उन लोगों से जुड़ें और आपको भी जुड़वाएँ। ये कार्यक्रम अनवरत जारी रहे। स्वागत करें, सर्वप्रथम मैं संस्था के अध्यक्ष श्री खेमका जी से विनम्र प्रार्थना करूंगा कि संस्था की गतिविधियों के बारे में और स्वागत भाषण करें। श्री खेमका जी, चूरू नागरिक संघ द्वारा आयोजित इस वार्षिक उत्सव एवं स्नेह सम्मेलन में आए हुए सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सर्वप्रथम मंच पर बैठे हुए हमारे चीफ गेस्ट श्री विकास अग्रवाल, ओपी मर्दा, कार्यकारिणी के मेरे साथी तथा आज के कार्यक्रम के तीनों संयोजक, ये सब बधाई के पात्र हैं। आज जो आप कार्यक्रम देख रहे हैं ये तीनों संयोजक की मेहनत का नतीजा है। मैं फिर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इनके साथ साथ मैं कह सकता हूँ कि चूरू नागरिक संघ की जो दो रीढ़ की हड्डी हैं, भाई पुरुषोत्तम और महेश मर्दा, इन्होंने इस कार्यक्रम का स्ट्रक्चर काम किया है और उन लोगों ने उसका डेकोरेटिव काम किया है। ये सभी लोग बधाई के पात्र हैं। मैं चूरू नागरिक संघ ये तो सब है, पर यह कार्यक्रम को मैं तभी सफल मानता हूँ कि आप सब लोग पधारे। आप लोगों का मैं बहुत ही हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और आप लोगों के साथ साथ कुछ ऐसे विशेष अतिथि हमने बुलाए जो चूरू नागरिक संघ की हर गतिविधियों के साथ हमारे कंधे से कंधा मिला के चलते हैं तथा एक रॉक की तरह हमारे साथ खड़े रहते हैं। वो भी कुछ महानुभाव हमारे कहने से यहां आए हैं, मैं उनका भी जिक्र बाद में करूँगा तथा उनका अभिनंदन भी करना चाहूँगा। मैं चूरू नागरिक संघ की स्थापना आज से करीबन 40 साल पहले भी, उसमें लक्ष्मीनारायण जी मंडावीवाला, सरावगी परिवार, कंदोई परिवार, बहुत से लोग थे, उन्होंने इस वृक्ष को लगाया, और आज मुझे इतनी खुशी है कि ये वृक्ष इतना विशाल हो गया है जिसकी छाया के नीचे हम सब लोग इसका आनंद ले रहे हैं। मैं इस चूरू नागरिक संघ में सबसे पहले
हमारे राम प्रसाद जी सराफ, उनका जिक्र इसलिए करना चाहता हूँ कि वो कलकत्ता में रहकर भी चूरू नागरिक संघ की कोई भी गतिविधि हो उसमें हमारे साथ वो तैयार रहते हैं। उनका कहना है, खेमका जी आप चूरू नागरिक संघ का कोई भी कार्यक्रम लीजिएगा, मुझे समिति पे इतना विश्वास है कि मेरे पैसे का सदुपयोग होगा और आप जो चाहें जिस चीज़ के लिए भी चाहें उसका खर्च कर सकते हैं। तत्पश्चात मर्दा परिवार, मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि मर्दा परिवार मेरे एक फ़ोन पे इतना सम्मान रखते हैं कि चूरू नागरिक संघ की कोई भी गतिविधि हो, चाहे पुस्तकालय लगाने की हो, चाहे वो कंप्यूटर सेंटर खोलने की हो, हर चीज़ के लिए ये पूरा परिवार और उनके हेड जो ओमजी है, आज हमारे चीफ गेस्ट हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आज विकास, ये विकास हमें राम प्रसाद जी सराफ की देन है। आज मुझे याद है कि 4-5 साल पहले इनको राम प्रसाद जी लाए थे, आज ये बड़ा हमें इतनी खुशी रहती है कि इनको कोई भी कार्य बोला जाए तो बोलते मुझे कार्य का काम, कोई काम ना बताएं, मुझे तो ये बताइए कि इसमें कितने धन की ज़रूरत है, ऐसा महान व्यक्ति है। मैं एक ऐसा अनाउंसमेंट आज उनके लिए करना चाहता हूँ कि अभी मेरी उनसे बात हो रही थी, मैंने कहा विकास हमें चूरू नागरिक संघ में हम कार्य करने वाले बहुत हैं, तुम्हारे जैसे आदमियों की ज़रूरत है। वो बोला नहीं भाई साहब, मेरे जैसे आदमी आपको और भी मिल जाएंगे लेकिन कार्य करने वाले ऐसे कहीं नहीं मिलेंगे। और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि आप कोई भी फिगर, कोई भी रुपया मुझे बताइए, मैं चूरू नागरिक संघ के लिए एक अपना ओपन फंड रखूँगा। तो उनकी इच्छा तो ये थी कि इसको 15-20 लाख से चालू करें, पर मैंने कहा नहीं, आज हमें पहले आज आप 5 लाख का अलॉटमेंट कीजिए और मैं टाइम टू टाइम हम क्या गतिविधियाँ उस 5 लाख से करेंगे वो आपको हम बताते रहेंगे, जैसे जैसे वो ख़त्म होगी फिर हम आपसे 5 लाख मांगेंगे। और मैं पूरे जन समूह से कहूँगा कि खड़े होकर उनका स्वागत करें, आज उन्होंने 5 लाख की सीमा आज मेरे को सेंक्शन की है। आप जैसे सभी लोगों से अनुदान मिला, उसमें सर्वप्रथम है भाई विकास और ओपी मर्दा। उस धनराशि को देखते हुए और वहाँ की जरूरतमंद को देखने के बाद हमारे कमेटी में मूल भाई महेश ने निर्णय लिया, सभी कमेटी के लोग उनके साथ में थे, कि चूरू में एक नहीं, 1-2 महीने के बाद में एक शिविर और लगाएंगे। तो ये चूरू नागरिक संघ के रिकॉर्ड में ये पहला अवसर है कि पिछले साल में हमने 2 शिविर लगाए, इस साल भी इसी शिविर को हम सितंबर में लगाने जा रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उसमें कम से कम 150 आदमी उसका लाभ उठाएंगे। ये चूरू नागरिक संघ की मैं बड़ाई इसलिए कर रहा हूँ कि वहाँ के लोग चूरू नागरिक संघ में विश्वास रखते हैं, उन्हें विश्वास है कि यहाँ का जो कार्य होगा वो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे तो चूरू में बहुत से शिविर होते रहते हैं लेकिन पूरे वर्ष लोग चूरू नागरिक संघ के शिविर के लिए हमेशा इंतज़ार करते रहते हैं। और मुझे खुशी है हमारे साथ वहाँ लाइन्स क्लब भी साथ में है। इस कार्यक्रम के साथ साथ हम पिछली बार श्री राजेंद्र जी से मिले थे, हमारे लाडले नेता से, उन्होंने 2-3 कार्यक्रम हमें बताए कि एक तो चूरू का सौंदर्यकरण तथा चूरू में एक उन्होंने बोला कि यहाँ पर एक लाइब्रेरी बनाओ, हट्स वाटर हटमेंट बनाओ और उसमें अंदर कंप्यूटर सेंटर बनाओ। मैंने चूरू से ही भाई ओम जी को फ़ोन किया, ओम जी बोले जितने भी कंप्यूटर सेंटर उसमें लगाएं उसके लिए मैं जगह और जितने भी कंप्यूटर लगे उसकी पूरी लागत देने के लिए तैयार हूँ। मैं चाहता हूँ कि पूरा सदन भाई ओम जी के लिए खड़े होकर उनका स्वागत करें। और इन कार्यक्रम के अलावा हम जैसे गौशाला या लोहिया कॉलेज, हमें बड़ी खुशी है कि आज से पहले कम से कम 10-15 साल पहले हमने ये एक बेड़ा उठाया था कि लोहिया कॉलेज वहाँ तथा वहाँ दूसरी जितनी भी स्कूल या कॉलेज है, बागला है, गर्ल्स कॉलेज है, उसमें हम पुस्तकों का वितरण करें, वहाँ एक बुक बैंक बनाएं। आज उस बुक बैंक में जितनी भी किताबें जाती हैं उसका कंट्रोल वहाँ का प्रिंसिपल रखता है, फर्स्ट ईयर की जैसे जो भी किताब है वो फर्स्ट ईयर के बच्चों को दी जाती है, वो बच्चे उत्तीर्ण होने के बाद में सब किताबें कॉलेज में वापस दे देते हैं और अगले साल वही किताबें दूसरे बच्चों के काम आती है। और मेरे
बड़े मुझे बहुत खुशी है कि जैसे बोलते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, आज पिछले 10 सालों में हमने वहाँ 15 लाख की किताबें दे दी हैं। ये सब लोग आप लोगों के सहयोग से हो पाया है। इसके बाद हमने यहाँ एक संस्था है राजस्थानी सम्मेलन, मैंने उनसे संपर्क किया कि हमारे चूरू में बहुत से लोग हैं जिनको हायर एजुकेशन के लिए बम्बई आना पड़ता है, उनके पास में धन का अभाव है तथा उन्हें रहने की व्यवस्था चाहिए। तो मुझे बड़ी खुशी है कि उनके वहाँ राजस्थानी सम्मेलन के जो भी ट्रस्टीगण हैं उन्होंने बोला कि आप हर साल 4 आदमी रिकमेंड कर सकते हो जो चूरू से आए, उनके लिए हॉस्टल दिया जाएगा। और भाई विकास ने अभी मुझे प्रॉमिस किया है कि मैं भी चाहता हूँ कि धन के अभाव में किसी बच्चे को कोई भी समस्या आए। और एक और हमारे दानदाते हैं भाई विश्वनाथ जी, मुझे याद है पिछले साल उन्होंने कहा था कि हर साल खेमका जी 50,000 रुपये मेरे से कम इस शिक्षा के कार्यक्रम मिले। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज हमारे एक पवन खेमका है, उनकी एक डिमांड आई कि मैं MBA करना चाहता हूँ जयपुर से, उसके पास धन का अभाव था। मैंने विश्वनाथ जी को फ़ोन किया, विश्वनाथ जी बोले जितना भी उसको पैसा चाहिए चेक कॉलेज के नाम से मंगवा लो, और 3 दिन के बाद उन्होंने कॉलेज में वो चेक भेज दिया। मुझे इतनी खुशी होती है कि जब ऐसे ऐसे लोगों का हमारे को साथ है तो चूरू नागरिक संघ पक्का ही अपनी ऊंचाइयों पे पहुंचेगा। इसके लिए मैं तो ये कहूँगा कि मैं विनोद झिलमरिया उसका खास कर अभिनंदन करना चाहता हूँ कि जिन्होंने आज का ये जो इतनी बढ़िया उनका बैंकेट है उन्होंने फ्री चूरू नागरिक संघ को दिया है। बोला इसके अलावा ये भी बोले कि बैंकेट नहीं, इसके अलावा और भी आपको कोई भी सहायता चूरू नागरिक संघ के लिए चाहिए तो हमेशा तत्पर रहेंगे। तथा उन्होंने वादा किया है कि हर साल वो नेत्र शिविर में हमारे साथ जाएंगे, ऐसे लोगों की हमें जरूरत है। मैं तो ये कहता हूँ कि हर संस्था को तन मन धन की जरूरत होती है, जिनके पास धन है वो चूरू नागरिक संघ को धन देवें, जिनके पास समय है वो हमें मन से सहायता करें, और जिनके पास और इनके अलावा जो दूसरे व्यक्ति हैं वो चूरू नागरिक संघ को आशीर्वाद दें। इन शब्दों के साथ, चूरू नागरिक संघ की कुछ भी कुछ कमियां भी हो सकती हैं वो हमें टाइम टू टाइम हमें उन कमियों से अवगत कराएं, और मुझे पूरी आशा है कि हम आपकी आशाओं के हिसाब से खड़े उतरेंगे। जय चूरू, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने बहुत सुंदर शब्दों से जिन महान भावों का विशेष सहयोग रहा उनका उल्लेख भी किया, और साथ साथ सभी जो मेंबर्स हैं उनका उत्साहवर्धन किया। तो एक बार हमारे अध्यक्ष महोदय के लिए जोरदार ताली। हमारे विशेष आग्रह पर हमेशा की तरह कुछ महान भाव हमारे आग्रह पे बॉम्बे से यहाँ पधारे, मैं चाहूँगा कि एक बार हम उनका स्वागत करेंगे। सबसे पहले इस कड़ी में श्री हर्ष जी मुंजला, छापर नागरिक संघ के प्रेसिडेंट श्री हर्ष जी मुंजला, कृपया एक बार। मैं हर्ष के लिए इतना कहना चाहूँगा कि ये हमारा भांजा पिछले 10 साल से हर वर्ष तन मन धन से हमारे शिविर में हमेशा जाता है, और जो भी उससे हम कहते हैं बिना कहे वो हमारी मांगे पूरी करता है। धन्यवाद हर्ष। हमारे विशेष अनुरोध पे श्री के वी राठी जी पधारिए जोधपुर से। श्री राठी जी, हमारे विशेष आग्रह पे रमेश जी मद्दा हैं, आप ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट हैं महेश्वर प्रगति मंडल के, श्री रमेश जी। मैं रमेश के लिए गिनाना चाहूँ तो पूरी रात निकल सकती है उनकी उपलब्धियों के लिए।
मैं आगरे पे नहीं आया हूँ, मन तो आना ही पड़ता है, चूरू नागरिक संघ मेरो भी है। थैंक यू। अमर गुप्ता जी, एमडी सपना, श्री गुप्ता जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सपना इंडस्ट्री लिमिटेड के एमडी हैं, श्री सिंगल जी टीसीएम के, श्री सिंगल जी, श्री अलका जी, अलका जी कहें आप जो जागृति समिति के काफी बड़े समाज सेविका हैं, विमला भाभी जी, कृपया उनका गुप्त से स्वागत करिए। तालियों में जोर भैया। अब मैं आपको एक ऐसी हस्ती से मिलाता हूँ जो हमारे विशेष आग्रह पे चूरू से पधारे हैं, श्री मनोज शर्मा। उनके बारे में थोड़ी डिटेल में थोड़ी देर बाद में आपको बताऊंगा। उनका टीवी में एक चैनल भी चलता है और वो ये योगाचार्य के डॉक्टरेट भी है, श्री मनोज जी शर्मा। वेलकम मनोज जी। श्री मनोज जी शर्मा, हम हमारे चूरू नागरिक संघ के जो स्टूडेंट्स हैं उनका सम्मान करेंगे। इस सम्मान के लिए सबसे पहले सक्षम सुनील अग्रवाल, सक्षम सुनील अग्रवाल, विकास जी कृपया राधिका मंत्री, राधिका मंत्री कृपया स्टेज पे आवे, राधिका एब्सेंट है। मेधा मंत्री, मेधा मंत्री, मेधा मंत्री मेरे को दिखी थी, यहाँ कहाँ गई वो? आयुषी शर्मा, सिक्स स्टैंडर्ड, आयुषी शर्मा, यह बच्ची पेंटिंग में भी अपने स्कूल में फर्स्ट आई, एक बार जोरदार स्वागत है आयुषी का। आदित्य खेमका, आदित्य खेमका, आई थिंक उमा इज हियर, उमा वेलकम उमा। हाँ तो फिर भाई जी को अगली बार स्टेज पे इधर सामने से प्राइज लेने के लिए वेलकम उमा। सुहानी रितेश मंत्री, आई थिंक सुहानी नहीं वो एब्सेंट है आज। करिश्मा सुनील अग्रवाल, करिश्मा सुनील अग्रवाल, गौरव मंत्री, गौरव मंत्री, कुशाल अग्रवाल, कौशल, सॉरी कौशल अग्रवाल, वेरी कौशल, चलिए प्रियांशी खेमका, प्रियांशी खेमका, इस बार भाई जी भी प्राइज लेंगे उमा के साथ। आइए खेमका जी, आप सीनियर से आइए प्राइज लेने के लिए। वेलकम वेलकम। तनिषा मंत्री, तनिषा मंत्री, तनिषा 10th 95%, वेरी तनिषा। युक्ति, युक्ति राधा किशन अग्रवाल, लीला विद्या मनोज,
अरे बारिश तो नहीं है, इतने लोग कैसे एब्सेंट हो गए? यस प्लीज कम रिलाइज। इनका काफ़ी कैपिटल मार्केट में काम है, देश विदेश में कई इनके ब्रांचेज हैं। आज मुख्य अतिथि के रूप में पाकर हम इनको अच्छा लग रहा है। फॉर्मल इंट्रोडक्शन इन्होंने कहा मेरा बिल्कुल नहीं देना, इसलिए मेरे को जो ध्यान है उन इनके बारे में बोल रहा हूँ। तो एक बार जोरदार विकास जी के लिए तालियां आज के हमारे मुख्य अतिथि के लिए। मैं चाहूँगा कि विकास जी ने हालांकि ना किया, पर मैं चाहूँगा कि दो चार लाइनों से जरूर हमारा प्रवर्धन करेंगे श्री विकास जी का। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा चूरू नागरिक संघ का कि जिन्होंने मुझे मौका दिया। दो साल से मैंने, मेरे पिताजी की जन्मस्थली है चूरू, मैं तो आसाम में पला बड़ा हूँ, बहुत ज़्यादा समय मैंने चूरू में बिताया नहीं है, लेकिन उनकी आंखों से और उनके मुंह से मैंने चूरू के बारे में इतना सुना है कि शायद मुझे लगता नहीं है कि मैं कभी चूरू में रहा नहीं। और जब राम प्रसाद जी मुझे पहली बार यहाँ लेके आए तो मुझे लगा कि नहीं, अपनी जन्मभूमि से जुड़ने का ये एक बहुत अच्छा माध्यम है। उनकी हमेशा इच्छा रहती थी कि वो अपनी जन्मभूमि के लिए कुछ करें, लेकिन माध्यम नहीं मिलता था। जैसे कि मैंने खेमका जी से बात करी कि पैसे देने वालों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्राउंड पे काम करने वाले लोग बड़े मुश्किल से मिलते हैं। तो चूरू नागरिक संघ आज जो भी कार्य कर रहा है वो बहुत ही तारीफ के काबिल है, उसकी वजह से हमारी इच्छाएं पूरी हो रही है और कहीं ना कहीं एक जो लाभ लोगों को चाहिए वो मिल रहा है। सो तन मन और धन से हम हमेशा चूरू नागरिक संघ के साथ में हैं, जब भी संघ को जरूरत होगी हम हमेशा वहां पे रहेंगे। धन्यवाद। आप सबों को ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे चूरू के अपने गौरव सराव के, गौरव निरंजन जी सराव जी, इन्होंने इस साल आईपीसीसी में ऑल इंडिया में फर्स्ट उनका नंबर आया। प्रदीप जी आने वाले थे, गौरव आने वाले थे लेकिन ओके, उनको अच्छा लगेगा कि वो ऑल इंडिया में फर्स्ट आए हैं, अपने चूरू के बच्चे हैं। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। मनोज जी अपने को चूरू के बारे में बताएं, इससे पहले आप लोगों को अच्छा लगेगा कि आज हमने भाई विनोद रामस्वरूप जी और इनके कहने से, मुरली जी के कहने से जो महेंद्र में अपना प्रोग्राम किया है, तो अच्छा लगेगा आप सबों को जान के कि करीब 20 लोगों ने आज नई मेंबरशिप ली है। उनमें अलका जी हैं एक, मुकेश चेतल, विनय कुमार अग्रवाल, पर इनका एक अलग तरीका है। तो मैं चाहूँगा कि मनोज जी एक बार आएंगे स्टेज पे। मनोज जी का एक चैनल भी चलता है, टीवी चैनल, आइए मनोज जी। मंच पर विराजमान अध्यक्ष महोदय खेमका जी, मंत्री जी मर्दा जी, लखोटिया जी, भानु जी, ओम जी भाई साहब, सराफ जी, प्रदीप जी अग्रवाल, विनोद जी भाई साहब, आप सभी का, विकास जी अग्रवाल, ओम जी नाम है ना जी, मर्दा जी, देखिए क्षमा चाहूँगा, मैं पहली बार मुंबई आया हूँ और पहली बार कार्यक्रम में आया हूँ, और चूरू नागरिक संघ ने यहाँ पर विशेष रूप से इस विषय के लिए विनोद जी भाई साहब से बात हुई, प्रदीप जी भाई साहब से हुई, अनिल जी भाई साहब से हुई, उन्होंने कहा एक बार जरूर आना। एक्चुअल में एक हमारी जनरेशन है, ये जो जनरेशन है ये यहाँ से काम करके यहाँ तक पहुँच गई, लेकिन इससे नीचे की जनरेशन ना चूरू में कोई जानता है, ना यहाँ की जनरेशन चूरू के बारे में कोई जानती है। हमारा प्रयास ये है कि त्रिनेत्र टीवी हमने शुरू किया और हमारी मूल मंशा ये रही कि चूरू को, जब आप चूरू का नाम यहाँ पर ले रहे हैं तो चूरू के बारे में पता तो हो, है क्या ये चूरू, आप कभी गए हैं कि नहीं गए हैं, लेकिन आप एक शब्द में चूरू को अगर डिफाइन करेंगे तो चूरू वो है जो गर्मी में 50 डिग्री पर जीवित रह सकता है और सर्दी में -4 डिग्री तक जीवित रह सकता है। ऐसा वेरिएशन वर्ल्ड में कहीं नहीं होगा। मैंने एक वीडियो बनाया था, जठन पूंछे गाड़ी बड़े पूंछे मारवाड़ी, वो वीडियो फेसबुक पे बहुत वायरल हुआ था। वो एक BMW सेठ जो है रख के और वो उसके 50,000 रुपए लेके अमेरिका जाके आता है, वो वीडियो आपने देखा होगा, उसमें पेट वाला वो मैं ही बना था।
एक्चुअल में हमारी संस्कृति में बहुत ताकत है साहब, बहुत ताकत है। मैं युवा होते हुए भी वहां चूरू में इसलिए बसा हुआ हूं कि चूरू को छोड़ के जाने का मन नहीं करता। चाइना गया था, दुबई का ऑफर आया पड़ा है, जर्मनी बुलाया हुआ है, लेकिन रहना चूरू में ही है, भले ही कुछ भी हो जाए। अब क्या है चूरू में, हमारा चूरू वो है जिसने पूरे विश्व को एक नारा दिया, आपने सुना होगा मंदिरों में, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। ये हमारे चूरू की देन है। कृपात्री जी महाराज के द्वारा शब्दों में वही से ये शुरुआत हुई, ये हमारे चूरू की देन है। दूसरा, पूरे विश्व में जब असामाजिक तत्वों के द्वारा पूरे विश्व में हमारी आध्यात्मिक चेतना को दबा दिया गया था, हमारे घरों के अंदर एक भी हनुमान चालीसा नहीं होती थी लिखित में, मौखिक किसी को बुजुर्ग को याद थी वो याद थी, कागज में किसी के पास हनुमान चालीसा नहीं थी। गीता प्रेस गोरखपुर, सेठ जयदयाल जी गोयनका और भाई जी हनुमान मंजी पोदार के द्वारा ये गीता प्रेस गोरखपुर शुरू की गई, वो चूरू की देन थी। कितनी बड़ी बात है, पूरे विश्व में आज अगर आध्यात्मिक चेतना जगाई जा रही है वो गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा जगाई जा रही, और वो है हमारे चूरू के, उनकी हवेली आज भी चूरू में अभी रिनोवेशन हो रहा है। गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा सिर्फ एक ही गुरुकुल संचालित है और वो चूरू में संचालित है, जिसमें शिक्षा दी जाती है धर्म की, जिसमें शिक्षा दी जाती है मंत्रों की। ये एक ताकत हमारे चूरू में रही। धर्म संघ का आपने नाम सुना, पूरे विश्व में वहां से निकले हुए, धर्म संघ से निकले हुए आज व्यक्ति अपने विद्वता से पूरे विश्व में अपना नाम कर रहे हैं। हमारे यहां पर एक ऐसी हस्ती हुई थी बागला परिवार में, जिन्होंने आप कहें तो बर्मा से जो है वो यहां आए थे, लेकिन चूरू में आज अगर सेठानी का जोड़ा कहें, बागला परिवार में आप जहां पढ़े हुए हैं, वो बागला परिवार 36,000 रुपए में तैयार हुआ था, और उसका एक आपको बताऊंगी, दरबार के लिए चांदी का सिंहासन और सोने का ताला बनाया गया था, ताले से उसको खोला गया था, तो दरबार ने कहा ये तो दरबार का होता है, कसब आपके लिए तैयार किया, आप इसको ले जाओ। इतनी बड़ी हस्ती हमारे चूरू में रही हुई है। स्वर्ण मंदिर पूरे विश्व में, ऐसा आपको सोने का बना हुआ आंतरिक मंदिर कहीं नहीं मिलेगा। मंडावा के लिए लोग कहते हैं मंडावा में ये है वो है, लोग जाते हैं, मैंने वहां की रिकॉर्डिंग किया, मेरे त्रिनेत्र टीवी का चैनल है, यूट्यूब चैनल, उसमें सारा देखो, आसपास में इतनी चीजें आप अपने बच्चों को कन्विंस कर पाएंगे कि चूरू चलो, आपको दिखाने के लिए बहुत कुछ होगा। वरना आपको भी कहे, बच्चे पूछते हैं क्यों जाए चूरू, क्या चलो बस अपनी हवेली है, क्या हवेली तो गंदी पड़ी है, हम तो नहीं जाएंगे, तो आप क्या दिखाएंगे उनको वहां पर ले जाकर। तो चूरू में ऐसा बहुत कुछ है जो आप वहां पर ले जाकर उनको दिखा सकते हैं। ये हमारा प्रयास है कि आप तक ऐसी कुछ चीजें पहुंचे, आप अपने बच्चों तक नेक्स्ट जनरेशन को पहुंचा सके, ये काम है। अब बात वर्तमान की करूं तो हमारे चूरू में एक सत्यनारायण जी गोयनका, उनका नाम भी बहुत बड़ा नाम। सुभाष मैं चाहूंगा तुम अपनी योगा के लिए दो शब्द, एक बस लास्ट दो शब्द कहने हैं। सत्यनारायण जी गोयनका विपश्यना में जिन्होंने बड़ा नाम किया वो चूरू के, बहुत बड़ी बात है। अब योग की बात करो, पिछले 15 साल से हम निःशुल्क योग शिविर चूरू में लगाते हैं, लगभग 2,00,000 लोगों को मैं अब तक योग सिखा चुका हूं। राजस्थान सरकार ने योग के क्षेत्र में 2016 में मुझे सम्मानित किया था, उसके बाद में पहले अभी तक योग के क्षेत्र में किसी को सरकार ने सम्मान नहीं दिया, चाइना भेजा था भारत सरकार ने। अब योग में हम यहां काम कर रहे हैं चूरू में, थर्ड आई जो एक्टिवेशन होता है, थर्ड आई तो शायद वर्ल्ड में कई जगह होता है, लेकिन 32 बच्चे हमारे चूरू में है जो आंख पे पट्टी बांधकर सड़क पे साइकिल चला सकते हैं आज के दिन, ये चूरू में बच्चे हमारे पास। मेरा टारगेट 150 से 200 बच्चों का है और वो नेक्स्ट 2-3 महीने में हम तैयार कर देंगे। इसके आगे एक और काम होता है टेलीपैथी पे, माइंड को टेलीपैथी के द्वारा स्ट्रोंग करना, दीवार के पार बैठे व्यक्ति क्या कर रहे हैं, दीवार के पार क्या होता है, ये शक्ति हम उन बच्चों में पैदा करेंगे, इस पे हम काम कर रहे हैं। किसी की कोई सहायता जो है ना तो हमने कभी मांगी ना कहीं से मिली, लेकिन अपने स्वयं प्रेरणा से कोशिश करते हैं सुबह के 4 घंटे। देखिए व्यापार में सब अपना काम करते हैं, पेट भरते हैं, समाज के लिए काम करना चाहिए जैसे चूरू नागरिक संघ करता है, उसी प्रकार समाज को 2 से 4 घंटे हमें देने चाहिए। मैं मेरे 4 घंटे सुबह के 4 से 8 बजे तक, ये 4 घंटे समाज को देता हूं, बाकी का सारा काम मेरी कमाई के लिए पेट भराई के लिए करता हूं। तो ये 4 घंटे जो है ये जीवन में आप भी निकालिए, हम भी निकालेंगे, और ये एक जुड़ाव बना रहे,
ये पहला प्रोग्राम है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सभी का, आपने यहाँ पर बुलाया है। ये हमारा चैनल है नरेश जी, और ये हमारी एक टीम है जो त्रिनेत्र के नाम से काम करती है। तीसरा नेत्र सबके अंदर है, एक बार खोलने की देरी है। ये दो नेत्रों से मोह माया देख रहे हैं हम, उस मोह माया से ऊपर भी बहुत कुछ है, तो उसको थोड़ा सा देख लेंगे तो बड़ा खुश मिजाज जो है आपको अंदर से मिले। जो एंग्जाइटी रोग है ना, एंग्जाइटी आजकल बहुत हो रहा है, समझ में नहीं आता रोग है क्या, लेकिन रोग होता है, वो एंग्जाइटी है, उसको कम करने में अगर आप हमारे साथ आएंगे जुड़ेंगे तो आपको वाकई में बहुत आनंद आएगा। और आपने याद किया, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी भाई साहब, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनोज जी। आप मनोज जी के पीछे आने के समय हम डॉक्यूमेंट्री भी देखेंगे, आप चुरू से बना के लेकर आए हैं, उसको हम जरूर देखेंगे। ऑफिशियल प्रस्ताव के लिए मैं श्री किशन जी लखोटिया आपको निवेदन। धन्यवाद महेश जी। सर्वप्रथम आज के समारोह के मुख्य अतिथि श्री विकास जी अग्रवाल को धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर यहाँ आकर हमारा उत्साहवर्धन किया। आपका सहयोग एवं हमेशा ही हमारा सहयोग हमें हमेशा ही मिलता रहेगा। और मैं दो लाइन मर्दा जी और अग्रवाल जी के लिए कहूँगा कि अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुना है, अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुना है कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन विकास जी और मर्दा जी से मिलने के बाद दिल ने यह महसूस किया कि मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। मैं धन्यवाद करता हूं श्री विनोद जी झिरमिरिया जी का कि आज के इस प्रोग्राम में हमें जहां समारोह हो रहा है वह निःशुल्क उपलब्ध कराया गया। मैं धन्यवाद करता हूं चुरू से आए श्री मनोज जी शर्मा जी का। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं हमारे विशेष आग्रह पर पधारे, उनका धन्य से हृदय से धन्यवाद। मैं विशेष तौर से आप सभी का धन्यवाद करता हूं, आप सभी के समारोह में यहां शोभा बढ़ाई कार्यक्रम से संयोजक श्री राम स्वरूप जी सराफ, श्री मुरली जी बालन एंड श्री विनोद जी झिरमिरिया, संस्था की तरफ से विशेष धन्यवाद। एडवर्टाइजमेंट की स्पॉन्सर प्रीति जी अग्रवाल का भी विशेष धन्यवाद। Let's go.
फिल्मकार तेरा चाहिए तुमको सहारा ओ पलकों में आंसू पालो लाजुकी तन ये तुम्हारा हो आजा 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 मैं हूँ प्यार और फिर कभी हम और बातें आपसे करते रहेंगे। तो मेरे साथी नरेश जी शर्मा के साथ मैं डॉक्टर मनोज शर्मा त्रिनेत्र टीवी के लिए लेता हूं इजाजत। नमस्कार।